सांसों के गेम पर लेट्स प्ले खेलो इंडिया, खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। लेट्स स्टार्ट। ये जो पहला दिन जो चला था ये भाग्यश्री थी। छोटा पैकेट बड़ा धमाका भाग्यश्री, और आते ही अपना जलवा बिखेर दी गई। आते ही थ्रो किया चंडीगढ़ के साक्षी को और दो अंक पूरी हासिल की। भाग्यश्री आपने तो देखा ही होगा भाग्यश्री को पहला दिन। जो कि आसम से बिलोंग करती है। आसम के भाग्यश्री आते ही भारी पड़ी साक्षी के ऊपर। आपने तो पहला ही दिन देखा होगा कि क्या ही फुर्ती और चुस्ती के साथ खेलती है, और यहाँ पे थ्रो करने के प्रयास, लेकिन अच्छा होल्ड देखने को मिला हमें भाग्यश्री और साक्षी के बीच। काफी दिलचस्प मुकाबला चल रहा है आसम की भाग्यश्री, और यहाँ पे फिर से एक थ्रो, अच्छा थ्रो देखने को मिला हमें भाग्यश्री की ओर से। और जो स्कोर चल रहा है वो 5-1 का स्कोर है। भाग्यश्री फिर से पटका, फिर से यहाँ देखने को मिला, फिर से थ्रो, अच्छा थ्रो देखने को मिला हमें भाग्यश्री की तरफ से चंडीगढ़ प्रयास, लेकिन वहां पे भाग्यश्री काफी चौकन्ना रही और उस किक को बदला थ्रो में और पॉइंट अपने नाम की। तो ये आज का पहला मुकाबला चल रहा है भाग्यश्री और साक्षी के बीच। भाग्यश्री और यहाँ पे थ्रो करने का प्रयास, लेकिन बहुत ही बेहतरीन पलटवार आसाम के भाग्यश्री की तरफ से। साक्षी बार बार चाह रही है कि मैं थ्रो करूँ, लेकिन भाग्यश्री वहाँ झुक नहीं रही है, और फिर से थ्रो देखने को मिला हमें आसाम की ओर से। तो भाग्यश्री पहले ही दिन से, पहला ही राउंड से वो दबदबा बना के रखी है। तो चलते चलते मैं भाग्यश्री के लिए ये कहना चाहता हूँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। और भाग्यश्री अपना हौसला, अपने हौसलों को कायम रखा है, और पहला राउंड जो राउंड विनर जो है वो भाग्यश्री है। अब देखना होगा क्या रणनीति लेके आती है चंडीगढ़ की साक्षी, क्या रणनीति लेके आती है उनके जो कोच है। ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे भाग्यश्री के कोच कुछ टेक्निक बता रहे कि कैसे उनको थ्रो करना है, किस टेक्निक से थ्रो करना है। अब कुछ सेकंड का समय बचा है, इस रेस्ट का समय मात्र 22 सेकंड बचा है। 22 सेकंड फिर से दोनों प्लेटफॉर्म में दिखेंगे ताबड़तोड़ मुकाबला करते हुए। दर्शक से भरे हुए प्लेयर्स, पेरेंट्स, गार्जियन सभी आए अपने अपने बच्चों को सपोर्ट करने। इस छोटे से उम्र में छोटे पैकेट बड़े धमाके, जितने भी गर्ल्स आए हैं सब जूनियर। ये यहाँ 27 तारीख से 31 तारीख तक रहेंगे यहाँ। ये जो इवेंट चल रहा है 27 तारीख से 31 तारीख तक काफी बेहतरीन। और यहाँ पे फिर से मैच स्टार्ट होता हुआ राउंड सेकंड की ओर हम चल पड़े। और यहाँ पे आते ही हवा बोला, हवा बोला आते ही आसाम की भाग्यश्री ने साक्षी को दे पटका, सीधे प्लेटफॉर्म में थ्रो कर दिया। और यहाँ पे फिर से थ्रो देखने को मिला भाग्यश्री की, भाग्य बदल दिया उन्होंने अपना भाग्यश्री ने। क्या खेलती है ये छोटी सी नन्ही सी भाग्यश्री। और यहाँ पे थोड़ा सा नाखुश होंगे अपने आप से, क्योंकि थ्रो करना चाहा लेकिन वो अनबैलेंस होने की वजह से साक्षी अच्छा फायदा उठाई और
पूरे 2 अंक हासिल की, तो स्कोर हो चुका है 4-2, सम 4 चंडीगढ़, साक्षी 2। और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन, और यहाँ पे फिर से बहुत ही बेहतरीन ताकत का इस्तेमाल कर रही है भाग्यश्री, छोटी सी कद की ये बच्ची हो सकता है। और यहाँ पे फिर से पकड़ा और फिर से थ्रो करने का प्रयास, उठा के फेंकने का प्रयास, लेकिन यहाँ नाकामयाब भाग्यश्री साक्षी को यहाँ पे तो सब चौकन्ना रहना होगा, बचना होगा साक्षी को, किक का प्रहार थोड़ी तेज करनी होगी ताकि वो पकड़ ना पाए उस किक के और वो थ्रो ना कर पाए साक्षी को यहाँ कहीं ना कहीं। और यहाँ पे अच्छा पंच देखने को मिला और 1 अंक हासिल, यानी 7-2 का स्कोर अभी चल रहा है 5 जजे को द्वारा, और समय मात्र 17 सेकंड बचे हैं हमारे उनके पास भाग्यश्री। और यहाँ पे भाग्यश्री काफी ज्यादा लीड ले चुकी है साक्षी से, तो उनको बस होल्ड करके, और यहाँ पे अच्छा होल्ड देखने को मिल रहा है, लेकिन भाग्यश्री चाह रही है कि उस होल्ड को भी मैं पटक के थ्रो करके अंक में बदलाव करूं। और यहाँ पे समय भी समाप्त, बहुत ही बेहतरीन खेल देखने को मिला, बहुत ही बेहतरीन फाइट देखने को मिला हमें भाग्यश्री और साक्षी के बीच। और बाउट विनर जो होती है वो असम की भाग्यश्री, और ये मेडल पक्का कर चुकी है, सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है भाग्यश्री अगर ऐसा ही खेल